बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर सर अली बेहजाद। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 की छुट्टियों की वजह से हम अब वीडियोस पे आए हैं, ठीक है, ऑनलाइन आपको काम करवा रहे हैं। और इसी तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कुछ काम दिया था। अब आते हैं हम आगे अगले चैप्टर। ये आपकी क्लास 7 की बुक है, ठीक है, न्यू काउंटडाउन सेकेंड एडिशन। जब आप ये खोलेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स मिलेगी, यानी कंटेंट्स, ठीक है। उसमें पूरे सा तमाम चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, तमाम यूनिट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने सिर्फ यूनिट 11 आपको शो किया है क्योंकि मुझे अभी सिर्फ यही पढ़ाना है। सिंपल इक्वेशन, सिंपल अल्जेब्रिक इक्वेशन उसमें पढ़ेंगे और अल्जेब्रिक इक्वेशन विद फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे। ये आपको पेज नंबर 133 में मिलेगा, सही है। तो हम आ गए एक्सरसाइज 11A पे, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल दिया गया, सॉल्व दी फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन। सही है, ये सिंपल इक्वेशन है, इनको हमें सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है। जो ये वेरिएबल है इनके सिर्फ वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x+5 इज इक्वल टू 19, तो 2x+5 इज इक्वल 19 लिख दिया। अब ये 19 है, ठीक है, और ये 5 इधर प्लस हो रहा है, तो ये 5 इधर हमें x को अकेला छोड़ना है। ये x को अकेला छोड़ेंगे उसके बाद ही x की हमें वैल्यू मिलेगी। तो यह करना है, ये 5 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 19 से माइनस हो गया, 14 आ गया, ठीक है। अब 2 है, 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब 14/2 हो जाएगा तो 2 के डबल में 14 7 टाइम आता है, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करने से 14 आता है। तो 2 1 2 2 7 14, तो ये 7 हमारे पास आंसर आ गया। x की वैल्यू क्या होगी, 7। यानी यहाँ पे अगर हम 7 रख दें x की जगह तो हमारे पास 19 आंसर आ जाएगा। तो 19 इज इक्वल टू 19, ये आंसर सेम हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, -7x+2 इज इक्वल टू 23। -7x इज इक्वल टू 23, ठीक है, ये 2, ये प्लस का 2 था, ये इधर आके माइनस का हो गया, सही है। तो इससे माइनस हो गया, हो गया 21। इसी तरह -7x इज इक्वल टू 21, अभी -7 जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस साइन भी इसके साथ आएगी, सही है। तो -21/7 हो गया, सही है। अब 7 1 7 7 2 3 21, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 3। 7 के टेबल में 21, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, सही है। तो ये हमारे पास आ गया -3, ये इसका हो गया आंसर। इसी तरह 5 करते हैं। अब ये ब्रैकेट में दी गई है, अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या होगा, 3 6 से मल्टीप्लाई होगा, 3 6 18, -3 2 6x, ठीक है। फिर प्लस प्लस आ गया, 3 4 20x, और इसी तरह 4 5 20, अब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 5 20x प्लस माइनस माइनस 4 1 4 इज इक्वल टू 0। इसी तरह अब जो x की जो वैल्यूज़ है उसको साथ में लिख देंगे, और जो बगैर x की वाली है उसको साथ में लिख देंगे, तो -6x+20x ये साथ में आ गई। इसी तरह +18 और -4 ये साथ में आ गई, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14x, ठीक है, और इन दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो आएगा 14 इज इक्वल टू 0। अब ये 14 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सही है। और ये 14 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे क्या आएगा, -1 आंसर आपका, ठीक है। अब इसी तरह आप 7 में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है -6x/5+2x/15 इज इक्वल टू -4, अभी अपॉन में है, 5 और 15 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 15। इसी तरह और 5 के डबल में 3 टाइम आता है 15, यानी 3 से मल्टीप्लाई करने से आता है, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 15 के टेबल में 15 1 से मल्टीप्लाई होने से आता है, ठीक है, तो ये 1 ऊपर इसके साथ लग जाएगा। इसी तरह 6 3 हो जाएगा 18x, और 2 1 हो जाएगा 2x, और ये 15 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 15 60 हो गया, और ये इनको हमने माइनस कर दिया, ये हो गया 16x, -16x, और ये हो गया -60। इसी तरह अभी 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 60/16। अब ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है, 2 8 16 और 2 30 60, फिर 30/8 आएगा, वो भी 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 8 और 2 15 30, ठीक है, ये भी हो गया 15/4। अब जब आप इनको डिवाइड करोगे ना, जिस तरह हम रफ़क करते हैं, इस तरह जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 होल नंबर 3/4, यानी यहाँ पे 15 अंदर आएगा और 4 बाहर होगा, तो 4 3 12 होता है, तो 15 में से 12 माइनस होगा तो 3 बच जाएगा, जो रिमाइंडर होगा, ठीक है, जो रिमाइंडर होगा वो आएगा इधर होल नंबर पे, और जो आंसर आएगा वो आएगा इधर न्यूमिरेटर पे, और 4 वही सेम रहेगा, सही है, ये आपका हो गया।
इसमें बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक वन से लेकर सेवन तक ही सवाल दिए हैं। तो इसमें से वन टू मैंने करा दिया, थ्री आपको करना है, फोर भी आपको करना है, उसके बाद फाइव मैंने करा दिया, उसके बाद सिक्स आपको करना है और सेवन मैंने करा दिया, ठीक है। तो आपको कौन कौन से करने हैं, थ्री फोर और सिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, अभी आ गए हम एट पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट आ गई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स अपॉन टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू एट माइनस टू एक्स अपॉन थ्री। अब एक्स अपॉन टू माइनस सिक्स ये पूरा लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके नीचे वन है, ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है यानी वन है, तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम अगर टू, सही है, तो ये तो ऊपर वन मल्टीप्लाई होगा लेकिन यहाँ पे टू मल्टीप्लाई होगा, तो ये टू आ गया। टू मल्टीप्लाई किस तरह होगा ये भी सुन लें, क्योंकि वन है ना, अब ये एलसीएम है, तो हमें जो इसके नीचे होता है ना उसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कराना होता है। किस तरह, वन के टेबल में टू कब आता है, जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे, जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये ऊपर हमने टू लिख दिया, सही है। इसी तरह यहाँ भी होगा, और यहाँ पे टू के टेबल में टू कब आता है, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आएगा, तो हमने ऊपर वन मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन शो नहीं किया, क्योंकि वो वन मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम ही आता है, तो इसलिए हमने शो नहीं किया। अगर आप शो करें तो भी गलत नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस सिक्स इंटू टू अपॉन टू इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ गया थ्री, यहाँ ऊपर थ्री मल्टीप्लाई हो गया, सही है, तो एट इंटू थ्री माइनस टू एक्स अपॉन थ्री। अब ये x माइनस सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर माइनस टू एक्स, ये टू और ये थ्री सेम आ गया, सही है। अब ये क्या होगा, ये टू इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये थ्री इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है, तो ये थ्री से मल्टीप्लाई होगा टू इससे, तो थ्री एक्स माइनस थ्री ट्वेल्व ज़ा थर्टी सिक्स, इसी तरह टू ट्वेंटी फोर ज़ा फोर्टी एट माइनस टू टू ज़ा फोर एक्स, सही है। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को एक जगह ले आएंगे और जो बगैर एक्स की वैल्यू है उसको एक जगह ले आएंगे, जैसे ये थ्री एक्स है और ये माइनस फोर एक्स है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस फोर एक्स हो जाएगा, और ये माइनस थर्टी सिक्स है तो ये इधर आके प्लस थर्टी सिक्स हो जाएगा, सही है। तो ये हो गया सेवन एक्स और ये हो गया एटी फोर, तो ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है सेवन, सेवन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सही है, तो सेवन के टेबल में एटी फोर आता है ट्वेल्व टाइम, ठीक है, जब सेवन ट्वेल्व सा एटी फोर आता है तो सेवन में सेवन हो जाएगा, सेवन ट्वेल्व एटी फोर, ट्वेल्व आपका ये ट्वेल्व आंसर हो गया, सही है। इसी तरह अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन पे, ठीक है, ये मैंने आपको वो कराए जो इंपॉर्टेंट है थोड़े, ठीक है, आपको सिर्फ जो मैंने बताया कि ये सवाल करने, आपको सिर्फ वही सवाल करने, इसके अलावा नहीं करने, ठीक है। अब आते हैं एटीन पे, यहाँ लिखा हुआ है फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन नाइन प्लस टू एक्स अपॉन फाइव इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू अपॉन फिफ्टीन, ठीक है। अब नाइन और फाइव का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा फोर्टी फाइव, ठीक है, और नाइन के टेबल में फाइव से मल्टीप्लाई करने से फोर्टी फाइव आता है, इसलिए हमने फाइव को ऊपर इधर इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने नाइन को करवा दिया क्योंकि वहाँ पर नाइन पर आता है, तो फाइव से मल्टीप्लाई किए और ये फिफ्टीन सेम रहेगा, ठीक है, ये थ्री एक्स प्लस टू अपॉन फिफ्टीन सेम रहेगा। इसी तरह फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी एक्स प्लस प्लस फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, ठीक है, फिर ये प्लस सेम आ गया, नाइन टू ज़ा एटीन एक्स और ये फोर्टी फाइव सेम और ये भी सेम हो गया। इसी तरह अब जो एक्स एक्स के हैं ये आपस में प्लस हो जाएंगे, ट्वेंटी और प्लस एटीन हो जाएगा थर्टी एट एक्स प्लस फिफ्टीन अपॉन फोर्टी फाइव और ये सेम, ठीक है। अब देखें, अब हमें इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये फोर्टी फाइव इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है, तो ये लंबा हो जाता, अब थ्री को फोर्टी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टू को इससे करेंगे, फिर वो कैंसिल करेंगे, लंबा हो जाता। हम क्या करेंगे, इस फोर्टी फाइव को कैंसिल कर देंगे, किस तरह, दोनों साइड मल्टीप्लाई। अब देखें, हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं ना तो उसका उलट भी कर देते हैं, ठीक है, अगर हम कोई चीज़ अपनी तरफ से प्लस कर रहे हैं तो उसका हम उसको माइनस भी कर देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लाई अभी तक इज इक्वल है ना दोनों तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी, इज इक्वल इस तरफ भी, इस तरफ भी है, तो हम अगर मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो हम मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, दोनों तरफ हमें करना ज़रूरी है ताकि बैलेंस इक्वेशन रहे, सॉरी इक्वेशन बैलेंस रहे, मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब इक्वेशन बैलेंस रहे ताकि कोई ऊपर ऊंच नीच ना हो, ठीक है। तो ये 45 इस 45 से कट जाएगा और ये 45 इससे, यानी 15 वन ज़ा 15, 15 थ्री ज़ा 45, यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 3 हो जाएगा इनसे मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा सेम 38x प्लस 15 सेम आ गया और ये 3 थ्री ज़ा 9x और 3 टू ज़ा 6 ये सेम आ गया, सही है। अब यहाँ पे ये हो गया, हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू को एक जगह ले आए और बगैर x की वैल्यू को एक जगह ले आए, 38x माइनस 9x
प्लस इज इक्वल टू 6 माइनस 15, तो 38 और माइनस 9 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 29x इज इक्वल टू माइनस 9, सही है। अब ये 29 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो माइनस 9 अपॉन 29 हो गया। ये आपका हो गया आंसर, x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब हम आ गए एक्सरसाइज 11B पे। अब ये भी जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह, जिस तरह वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं ना, ये भी इसी तरह एक सवाल दिया गया। लिखा है व्हेन 3 इज एडेड टू 7 टाइम्स अ नंबर दिस सम इज 31, फाइंड द नंबर। कहा गया हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें और उसमें अगर 3 ऐड कर दें तो हमारे पास 31 आंसर आ जाए। अब ऐसा नंबर कौन सा है, अब वो ढूंढते हैं। हमारे पास वो नंबर गिवन नहीं है तो हमने उसको x सपोज कर लिया, लेट दी नंबर x, ये हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिया। अब y भी कर सकते हैं, z भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, a भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया, x। अब उसको अगर 7 टाइम ना बढ़ा दें यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 7x। x को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7x और उसमें 3 ऐड करना है तो क्या होगा, 7x प्लस 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इनका जो है ना आंसर क्या है, 31, यानी इनका जो सम है वो क्या है, 31, ये लिखा हुआ है, सम इज 31, तो हमने उस हिसाब से ये लिख दिया, ठीक है। तो 3 इधर प्लस और इधर जाके क्या होगा, माइनस 31, माइनस 3, सही है। तो ये हो जाएगा 28 और ये 7 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 28 अपॉन 7, और 7 वन 7, 7 4 28, तो वो ये 4 आंसर आ गया। तो वो नंबर 4 है जिसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करके और उसमें 3 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31, दैट नंबर इज 4, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह दूसरा लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन 3 क्वार्टर्स एंड 3 फिफ्थ ऑफ अ नंबर इज 9, डिटरमाइन द नंबर। अब इसमें ये करना है कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि 3 अपॉन 4 और 3 अपॉन 5 आपस में माइनस हो जाए और वो उनसे मल्टीप्लाई होके उसका आंसर आ जाए 9, तो हमें वो नंबर ढूंढना है वो कौन सा नंबर होगा। तो हम दोबारा ये करेंगे, लेट दी नंबर इसको लिख देंगे x, सही है, इसको x सपोज करेंगे, 3 क्वार्टर्स यानी 3 अपॉन 4x और 3 फिफ्थ यानी 3 अपॉन 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 अपॉन 4x माइनस 3 अपॉन 5x लिखा हुआ है ना, डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों में डिफरेंस करना है यानी माइनस करना है, ठीक है। तो 3 अपॉन 4x माइनस 3 अपॉन 5x ये हमने सेम लिख दिया इज इक्वल टू 9, उन्होंने कहा इसका आंसर 9 निकलेगा। तो 5 और 4 इसका हमने एलसीएम निकाल दिया तो एलसीएम आ गया 20, ठीक है। और 4 के टेबल में 20 5 से मल्टीप्लाई होने से आता है तो 5 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 5 हो जाएगा 15x, ठीक है। और इसी तरह 5 के टेबल में 20 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, तो 4 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई इधर, तो 3 4 हो जाएगा 12, ठीक है, ये आ गया। और ये इज इक्वल टू 9, ये 20, अब 20 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपस में हो गया माइनस, 15 माइनस 12 3x और ये 9 20 था, ये इधर आ गया 180 और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आ गया क्या हो गया, डिवाइड, 3 के टेबल में 180 आता है 60 टाइम, 3 6 था 18, ठीक है, और 0 सेम आ गया तो 3 60 था 180, तो आपके पास आंसर क्या गया, 60 ही वो नंबर है जिसके बीच में हम डिफरेंस करके और उसका आंसर हम 9 लाएंगे, मतलब डिफरेंस किस में, 3 क्वार्टर्स और 3 फिफ्थ में अगर इनके बीच में डिफरेंस करना हो तो वो 60 नंबर है, अगर इनको हम साथ में रख दें तो फिर उसको अगर माइनस प्लस करके हम आंसर लाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9, तो वो 60 नंबर है, ये भी हमारे पास हो गया सॉल्व, ठीक। अब हम आ गए अगले सवाल पे, यह है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ लिखा हुआ है इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर एंड द रिमाइंडर इज मल्टीप्लाइड बाय 13 द प्रोडक्ट इज 91, फाइंड द नंबर। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो जिसको हम अगर 3 से माइनस करें और फिर जो उसका आंसर आए उसको अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर हमारे पास 91 आए, तो ऐसा कौन सा नंबर है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे लेट द नंबर x, हमें नंबर नहीं पता तो हमने इसको x सपोज कर लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, x को उन्होंने कहा है कि वो नंबर पहले x से माइनस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, x को माइनस कर देंगे 3 से और फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है 13 से, जो इसका आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा 13 से, ठीक है, और उसका आंसर 91 दे रहा है हमें, सही है। यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट इज 91, तो हमने लिख दिया इज इक्वल टू 91, ठीक है। तो सबसे पहले हम 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x से मल्टीप्लाई होगा 13x हो जाएगा, माइनस माइनस, उसके बाद 13 3 39,
इज इक्वल टू 91। अब यहाँ 39 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 91 प्लस 39 हो जाएगा 130, और 13 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 13 वन ज़ा 13 और 13 टेन ज़ा 130, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। तो 10 वो नंबर है जिसको हम 3 से माइनस करेंगे और फिर उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 91 आंसर आएगा, ठीक है, वो 10 नंबर है, तो दैट नंबर इज़ 10 आंसर हम ये लिख देंगे। उसके बाद है 7 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 315, फाइंड द नंबर्स। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं जिसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आए 315, और इन लोगों ने हिंट दी गई है कि ये है, ठीक है, ये है वो नंबर है, यानी एक्स उन लोगों ने सपोज़ किया है कि जो नंबर हमें ढूंढना है वो क्या है, एक्स है, तो हम यही करेंगे, हमने इनको लेट कर लिया, सपोज कर लिया लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ये है, ठीक है। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं और इसका आंसर ये है, तो हमने भी लिख दिया ये तीनों आपस में प्लस हो रहे हैं और इसका आंसर ये है, ठीक है। तो एक्स प्लस वन ये आ गया, प्लस एक्स प्लस टू ये आ गया, और जो एक्स एक्स है उनको आपस में प्लस करेंगे और जो एक्स के बगैर नंबर है उनको आपस में प्लस करेंगे, तो ये हो गया एक्स प्लस एक्स और प्लस ये 3x हो गया और प्लस 1 प्लस 2 3 ये हो गया, 3 इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, 315 माइनस 3 ये हो जाएगा 312, और 3 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 3। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 1 3 तो 3 104 312, सही है, ये आपका क्या इधर आंसर। तो 104 वो नंबर है जिसको अगर हम जिसमें हम 1 प्लस कर दें, ठीक है, और फिर उसमें 2 प्लस करें और फिर इन सबको अगर आपस में मिलाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 315। तो यहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे दैट नंबर इज़ 104, ठीक है। अब ये मैंने इसके साथ आपको एक वर्कशीट मिलेगी, उस वर्कशीट में सब कुछ मैंने बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन करने और कौन कौन से नहीं करने, जो मैंने नहीं करने उसको बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं और आपको ज़्यादा पे बंडल नहीं डाला कि आप भी आराम से समझें और आराम से करें और प्रैक्टिस बहुत करें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ नहीं आएगी। मैथ बिल्कुल जो है ना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आपको, सही है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको काम बिल्कुल सफाई से करना है। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामुअलैकुम।